हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो हमारे व्यूअर हैं सिमरन, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो स्टॉक आइटम सेल्स या परचेज जो भी कर रही हैं, तो उस समय डायरेक्टली वो कुछ इस तरह का हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आइटम है कीबोर्ड, इसको ले लिया हमने, तो ये लेकर के जब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ क्वांटिटी पे नहीं बल्कि इनका डायरेक्टली चला जाता होगा अमाउंट पे, यहाँ पर आ जाता होगा कर्सर। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां से मैं एक और स्टॉक आइटम बना रहा हूं, ठीक है। अगर आपने भी क्रिएट किया है तो दिक्कत आना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे फोटोशॉप की बुक परचेस कर रहा हूं, तो फोटोशॉप स्टॉक आइटम बना रहा हूं, फोटोशॉप की बुक है, फोटोशॉप बुक, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहां पर कोई यूनिट नहीं रख रहा, ठीक है, और जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहां गुड्स है, और ये इस तरह से हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब ये हमने बना लिया है, ठीक है, फोटोशॉप की बुक हमने बना ली है। अब ये जो है इसको हम परचेस करेंगे, तो यहां से जाते हैं अभी अकाउंटिंग वाउचर में, और यहां से आ जाते हैं F9 प्रेस करके परचेस वाउचर में, ठीक है। तो अभी हम परचेस वाउचर में आ चुके हैं। यहां पर ये परचेस ही चूज कर लेता हूं मैं, और क्लास परचेस, यहां से ये हमने दे दिया सप्लायर का इनवॉइस नंबर, एंटरप्रेस किया, यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टिकलाइजर, तो ये क्रेडिटर पार्टिकलाइजर लगा लिया, एंटरप्रेस किया। अब यहां पर वो स्टॉक आइटम फोटोशॉप की जो बुक थी वो ले लेंगे हम, तो ये फोटोशॉप बुक ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर जब स्टॉक आपने यहां पे यूनिट नहीं बनाया, क्वांटिटी में जाएगा नहीं आपका, ठीक है, ये पहला रीजन है, ठीक है। ये अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो ऐसी दिक्कत आएगी आपको। चलते हैं अल्टरेशन मोड में, इसे लेते हैं जो हमने स्टॉक आइटम बनाया था। ये देखिए यहाँ पे अल्टर पे आ गए हम, और हमारे स्टॉक आइटम का नाम था फोटोशॉप की बुक, तो ये यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पे हम एंटर करेंगे यहां से। अब यहां पर अगर आपने स्टॉक आइटम बनाया है, जैसे पीसेस कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट है, तो इसे मैं ऑफ रखता हूँ, आपके में शायद ये ऑफ हो पहले से ही, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब एंटर प्रेस कीजिए और ये एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ठीक है। यहां से बाहर आ जाइए, और अब वापिस से हम परचेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये परचेस वाउचर में ही है, और एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टिकलाइजर आएगा, तो ये क्रेडिटर कर लिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर वही फोटोशॉप की बुक हम ले रहे हैं, देखिए इस बार हमने लिया फोटोशॉप की बुक, तो यहाँ देखिए क्वांटिटी में आ गया। अब यहाँ आप क्वांटिटी डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 6 किताबें हम परचेस कर रहे हैं, और एक की कीमत यहाँ डाल दीजिए, 700 रुपये एक की कीमत है, इसके हिसाब से 6 किताबों का दाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से कोई और स्टॉक आइटम आप बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक्सेल की बुक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेल, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही यूनिट नहीं बनाएंगे आप, जैसे यूनिट बनी हुई है, अगर आपने यूनिट बना भी दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने आइटम कर दिया या कुछ और कर दिया, पीसेस कर दिया, पैक्स कर दिया, ठीक है, PKS पैक्स कर देता हूँ मैं, और यहाँ PACKS कर देता हूँ पैक्स, ठीक है, और यहाँ पी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पैक्स आ जाएगा, तो ये देख लीजिए ये पैक्स है, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पैक्स चूज नहीं करते हो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देते हो, स्टॉक आइटम तो आपने बनाया ही है, यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल कर देते हो, ठीक है, तो अब ये भी जो है डायरेक्टली आपका वहां पर पहुंच जाएगा, अमाउंट में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर आपने स्टॉक आइटम के लिए यूनिट बनाया है तो भी डायरेक्टली कर्सर यहाँ पे आ जाएगा अगर आप चूज नहीं करोगे उस यूनिट को, तो ये बात ध्यान रखिए। और किसी कंडीशन में तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे आप पिक सेंड करोगी तो मैं देख पाऊंगा। अब यहां से आ जाते हैं वापस से इन्वेंटरी इन्फो पर, ठीक है, तो इन्वेंटरी इन्फो पर ना जाकर के हम क्या वापस चलते हैं वहीं पे परचेज में। अब यहां पर देखिए अगर हम उसको चूज कर लेते हैं, यहां पे इन्वेंटरी इन्फो पे आते हैं, इंटरफेस करते हैं और स्टॉक आइटम में आते हैं, और यहां पर नॉट एप्लीकेबल जो हमने किया प्रेस करते हैं, तो ये एक्सेल। अब यहां पर हमने जो नॉट एप्लीकेबल किया है इसको हम पीसेस कर देते हैं, पीसीएस, ठीक है, और इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और ये एक्सेप्ट करा लिया। अब हम चलते हैं वापस से एक्सेल की बुक परचेस करने, तो वी प्रेस करता हूँ, आ गए हम परचेस वाउचर में, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर आ जाएगा क्रिएटर पार्टिकलाइजर, तो ये क्रिएटर पार्टिकलाइजर लगा दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एक्सेल की बुक, तो यहाँ पे ई प्रेस करता हूँ, यहाँ एक्सेल की बुक होगी तो नजर आ जाएगी, ये आ गई। अब देखिए क्वांटिटी में आ गया, ये 7 एक्सेल की बुक परचेस कर रहे हैं, एक की कीमत 500 रुपये है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया हमने, ठीक है, हमें प्रिंट नहीं करना है, इसको नो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।